लोकसभा में बम बहुमत वाली मोदी सरकार की आज अग्नि परीक्षा होनी है राज्यसभा में। तीन तलाक बिल यानी मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2017 पर मोदी सरकार की असली परीक्षा राज्यसभा में होगी, क्योंकि राज्यसभा में उसके पास बहुमत नहीं है। लिहाजा केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की है और विपक्षी दलों से इस बारे में बात भी की है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा में सरकार के पास जबरदस्त बहुमत है, जिसके दम पर उसने ओवैसी समेत इक्का दुक्का सांसदों के विरोध को आसानी से दरकिनार किया। राज्यसभा में बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, ऐसे में बिल को पास कराने के लिए दूसरे दलों के साथ की दरकार है। 245 सदस्यीय राज्यसभा में बीजेपी के 57 सांसदों सहित एनडीए के 88 सांसद हैं, जबकि कांग्रेस के 57, सपा के 18, बीजू जनता दल के 8, एआईएडीएमके के 13, तृणमूल कांग्रेस के 12 और एनसीपी के 5 सांसद हैं। अगर मोदी सरकार को अपने सभी सहयोगी दलों का साथ मिलता है तो भी बिल को पारित कराने के लिए कम से कम उसे 3500 सांसदों की सपोर्ट की दरकार होगी। कांग्रेस इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग तो बीजू जनता दल, एआईएडीएमके, सपा और तृणमूल कांग्रेस समेत कई राजनीतिक पार्टियां इसके खिलाफ हैं। इस मामले में मोदी सरकार को उसकी अग्नि परीक्षा में कांग्रेस शानदार तरीके से पास करवा सकती है। कांग्रेस भी राहुल की लीडरशिप में सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर है, इसका सबूत गुजरात चुनाव में मिला है। ये रास्ता अपनाने से कांग्रेस को भी जबरदस्त फायदा हुआ है और वह तीन तलाक बिल को रोककर अपनी इस इमेज को जमींदोज होने देना नहीं चाहेगी। शायद यही वजह रही कि लोकसभा में तीन तलाक बिल के पारित होते वक्त राहुल गांधी सदन में मौजूद नहीं थे। माना जा रहा है कि तीन तलाक बिल का विरोध करके राहुल गांधी अपनी छवि को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, क्योंकि कांग्रेस के विरोध से फायदा बीजेपी को ही होगा। लोकसभा में तीन तलाक बिल पर बहस के दौरान जिस तरह से बार बार शाहबानो मामले को लेकर कांग्रेस पर हमले हुए और उसके नेताओं को अपनी नजरें नीची करनी पड़ी, ऐसे में कांग्रेस तीन तलाक को लेकर बहुत आक्रामक रुख अपनाने की हालत में तो फिलहाल नहीं दिखती। कांग्रेस के सियासी समीकरणों के चलते लोकसभा में उसके नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने तीन तलाक को गैर जमानती बनाने के प्रावधान को हटाने पर जोर डाले थे। ऐसे में जब मोदी सरकार के पास राज्यसभा में बहुमत का अकाल है तो कांग्रेस इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग करे, जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे वाली रणनीति कामयाब हो सके। इसके पीछे यह तर्क दिया गया कि शौहर को जेल भेज देने से सुलह की कोई उम्मीद नहीं रह जाएगी, बीबी को गुजारा भत्ता मिलना बेहद मुश्किल होगा। लेकिन इस बिल के लोकसभा से पास होने से गदगद मुस्लिम महिलाओं में निराशा जरूर फैल सकती है। और रही बात तीन तलाक की, तो लोकसभा में बिल पास होने के दिन और उसके बाद महिलाओं को तीन तलाक देने की खबरें लगातार आ रही हैं। ऐसे में मुस्लिम महिलाएं बेसब्री से इसके राज्यसभा में पास होने की बात जोह रही हैं। इन हालातों के बीच कांग्रेस सीधे सीधे तीन तलाक का विरोध करके महिला विरोधी कहलाना तो कतई पसंद नहीं करेगी, लेकिन इस बिल के प्रावधानों में कुछ नुक्स निकाल कर इसमें संशोधन की बात कहकर इसे लटकाना चाहेगी। ऐसा होता है तो फिर इसे पास कराने के लिए लोकसभा में भेजना होगा। वहीं शीतकालीन सत्र 5 जनवरी को खत्म होना है, इसलिए सरकार के पास ज्यादा वक्त नहीं है। लेकिन अगर बिल ऊपरी सदन की सिलेक्ट कमेटी के पास चला जाता है तो फिर ये बिल इस सत्र में संसद से पारित नहीं हो सकता और उन मुस्लिम महिलाओं में घोर निराशा भी फैलेगी जो इस कानून के बनने के साथ ही बहुविवाह के विरोध में खड़ी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1400 साल पुरानी तीन तलाक की प्रथा यानी तलाक बिद्दत पर ऐतिहासिक फैसला देते हुए इसे पहले ही असंवैधानिक करार दे चुकी है। बीते 22 अगस्त को 5 जजों की बेंच ने बहुमत से तीन तलाक को असंवैधानिक और गैर कानूनी बताया था। 5 जजों की बेंच ने 3-2 की मेजोरिटी से कहा था कि एक साथ तीन तलाक कहने की प्रथा यानी तलाक बिद्दत वाइड, शून्य, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक और इलीगल यानी गैर कानूनी है। बेंच में शामिल 2 जजों ने सरकार को तीन तलाक पर 6 महीने में कानून बनाने को कहा था। लोकसभा में तीन तलाक बिल पर चर्चा के दौरान भी मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया था। तीन तलाक पर मौजूदा बिल के कानून बनने के बाद कोई भी मुस्लिम पुरुष अगर अपनी बीवी को तीन तलाक, चाहे मौखिक हो या लिखित हो या फिर मैसेज के जरिए हो, अवैध यानी गैर कानूनी होगा और उसे 3 साल की सजा और जुर्माना हो सकते हैं। ये अपराध गैर जमानती होगा और तलाक की पीड़िता अपने और नाबालिग बच्चों के संरक्षण के साथ ही गुजारा भत्ता मांगने के लिए मजिस्ट्रेट से अपील कर सकेगी। इसमें मजिस्ट्रेट तय करेंगे कि पीड़ित महिला को कितना जुर्माना दिया जाए।
ऐसे में इस बिल को लेकर देश भर में चर्चाएं हैं। मुस्लिम महिलाओं में उत्सुकता है। मोदी सरकार मुस्लिम महिलाओं को ये बताने में सफल रही है कि वह उनसे किया अपना वादा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आईने में जल्द से जल्द पूरा करने के लिए बेताब है। वहीं कांग्रेस की अपनी सियासी बेबसी है। ऐसे में आज राज्यसभा में क्या होगा? 3 तलाक पर मोदी सरकार के बिल पर कांग्रेस उसका साथ देगी? यही सवाल सबों के दिमाग में चल रहा है। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस को शाहबानो मामले में भविष्य में अपनी नजरें नीचे करने की शायद कोई जरूरत न पड़े। लेकिन कांग्रेस अगर मोदी सरकार का साथ नहीं देगी तो उस पर मुस्लिम महिलाओं के हितों के खिलाफ खड़े होने के आरोप लगेंगे। ऐसे में राहुल की युवा सोच पर भी सवाल उठेंगे, जिसका जवाब देना कांग्रेस के लिए बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि महिला हो या पुरुष, सभी के वोट बेशकीमती और बराबर हैं साहेब। कुमार मयंक, APN।